पेशेंट जाते हैं तो तरह तरह से अपनी बीमारियों का हाल सुनाते हैं, और कुछ डॉक्टर भी ऐसे होते हैं जो मरीज की नफ्तियात से खेलते हैं। तो एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में कुछ मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। मेरे दोनों तीनों चारों फनकार इसमें हिस्सा लेंगे, इसमें शबन खान होंगे, समदानी होंगे, और नील मारिया, और एक हमारे हैदराबादी फिल्मों का एक एक्टर है हाजी कमाल, वो भी इसमें हिस्सा लेगा। आइए डॉक्टर साहब, हल्लू हल्लू हल्लू, क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब मर गया। कौन मर गया? डॉक्टर मर गया। दीवाना है क्या? मैं जिंदा हूँ, ठहरो। मैं मर गया डॉक्टर। कैसा मरते है? किसी डॉक्टर की हेल्प के बगैर मरते कैसा जी तुम? हमारा इलाज करेंगे तो फिर जब देखेंगे जीते मरते। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या साहब देखो ये पेट का हाल, ये जरा देख तो, मैं चेक करता हूँ, ठहरो। अरे गाय को चिखरा में आए तो मरीज हम भी चले जाएंगे ना। चिखरा गाय को? अरे साहब ये पैर आपका मेरे पैर पे आ गया। ये सॉरी सर। तो ये क्या है? बोले ये पेट। पेट? अम्मा ये पेट है ये? अरे अंबर पेट है ना यार ये। हाँ थोड़े दिन ऐसी रहा तो बेगम पेट बन जाता। इसको गंडी पेट बनाने की कोशिश करो, पानी कम, समझे? इस वास्ते तो आपके पास आया डॉक्टर। मगर तुम्हारे को मेरा जहाँ तक ख्याल है गैसेस ट्रेबल साइंस फिंड से। गैसेस ट्रेबल साइंस फिंड? मैं कुछ समझा नहीं। ये डॉक्टरों की जबान तुम कहाँ समझ सकते हैं? तो फिर ये बोलो, कल रात में कहीं दावत वावत में गए थे क्या? हो कल रात में दावत में गया था साहब। हाँ बेहतरीन नौवीं फैमिली थी, चौकी का खाना था। अच्छा अच्छा। ऐसा बैठ के चौकी पे खाना खा रहा हूँ। हाँ उठना चाह रहा हूँ, उठना नहीं आ रहा। अच्छा। पेट चौकी के नीचे फंस गया था। वेटर को मदद के वास्ते बुलाया। बोला वेट। हाँ जी। पेट चौकी के नीचे। अच्छा अच्छा। बोला वेटर थोड़ी हेल्प। उन्हें उधर से लेके आया, बिरयानी रख दिया, फिर शुरू हो गया। फिर बोला मैं वेटर थोड़ी हेल्प स्टार्टर, फिर शुरू। पहले दस्तर पे जो बैठा, नौवे दस्तर पे उठा लास्ट दस्तर। दूसरे मेहमानों को क्या मिला होगा? फिर रोज खाते आप? नहीं गलत चीज है ये। अच्छा ये बोलो आप रोजाना घर में कैसा खाते? कैसा खाते? हाथों से खाते। हाथों से खाते? अरे नहीं तो क्या पैरों से खाते क्या? नहीं साहब, लोग हाथ से खाते, हम हाथों से खाते। दिख रहा है उसी वास्ते यही पर्सनैलिटी है। असल बीमारी वही है तुम्हारी। आप जो है घर में रोजाना के टाइमिंग क्या है और क्या वेराइटी खाते हैं सुबह में नाश्ते में? टाइमिंग क्या है साहब? हाँ सुबह में उठता हूँ, दो भगोनों में दूध गर्म हो जाता। अच्छा। एक भगोने में जो है डबल रोटी डुबा लेता हूँ। हाँ वो भगोना दूध तो उन्हें पी लेती, फिर मैं उसको खा लेता हूँ। अच्छा। फिर दूसरा भगोना बचा हुआ रहता है वो दूध पी लेता हूँ। अच्छा उसके बाद कब खाते? उसके बाद 9 बजे फिर सुबह में। आप सुबह में जी? अरे अभी अरे आप लोग बोलते ना साहब एसिडिटी होती, पेट खाली नहीं रखना। हाँ तो दो दो घंटे को खाते? हाँ साहब वो 9 बजे नाश्ता। ठीक है। लंच? लंच कहाँ खाते? घर में खाते? लंच वहाँ फैक्ट्री को जाके खाते, काम करते ना फैक्ट्री में। अच्छा तो टिफिन ले जाते? टिफिन लेके जाते, इतना टिफिन है। अम्मा बहुत छोटा है। ऑफिस से घर को आके शाम में फिर खाते? शाम में तो इत्मीनान से खाते, बीवी बच्चे साथ में बैठे हुए रहते तो निवाले ज्यादा खाए जाता। सारी दुनिया को खा जाता। इन्हें रात को भी खाते क्या? रात को सो जाते ना जी, नींद उचार भी तुझ क्या है कि? नींद भी उचार होती तुम्हारी? घंटे घंटे को होती। वो कह को भूख लगती है? देखो तुमको कोई इंजेक्शन टैबलेट्स की जरूरत नहीं है, सजेशन की जरूरत है, मशवरा। अच्छा तो बीमारी कुछ भी नहीं है, मशवरे से सही हो जाता? क्या करो? परहेज करो। परहेज? परहेज मैं जैसा बोलता हूँ 3 टाइप का परहेज 15 दिन तक करके देखो तुम, ये पेट के गैसेस ट्रबल्स खत्म हो जाते, आप स्लिम होते। बिल्कुल करता हूँ सर। नाश्ते में 1 कप दूध 2 बिस्किट। नाश्ते में 1 कप दूध 2 बिस्किट ये परहेज करो। लंच में 2 चपाती किसी हरी साग सब्जी के साथ। तो लंच में दोपहर के खाने हाँ। में 2 चपाती हरी सब्जी और शाम में व्हाइट राइस जो है स्टीम राइस दही के साथ। शाम में स्टीम राइस दही के साथ। ये 3 टाइम का परहेज 15 दिन तक करके देखो। ये 3 टाइम का परहेज 15 दिन तक करे तो मैं सही हो जाता हूँ? हाँ बिल्कुल सर। शुक्रिया, क्या मशवरा किया सर। साहब एक बात है। क्या है? ये 3 टाइम का परहेज मैं खाना खाने से पहले खाना या खाना खाने के बाद खाना? एक काम करो किचन में बैठ जाओ, निकलते कहीं बाहर चलो।
मशवरा फ्री दिया तो भी क्या खा रहा भाई, मत कर दे रहा। गुड नेक्स्ट कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, क्या भी खैरियत से है? कौन आप? हाँ खैरियत से हूँ। क्यों अच्छे हैं आप? हाँ बिल्कुल अच्छा हूँ। आपका क्लिनिक कैसा चल रहा है? अरे यार पहले ये बोलो आप, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे से मेरी तबीयत कहीं को पूछ रहे भाई आप? नहीं डॉक्टर से कोई चीज नहीं छुपाना बोलते, सब बोलना बोलते आप लोग, इसलिए बोला था इससे पहले डॉक्टर से और शोहर से कभी भी नहीं छुपाना। हाँ तो क्या हो रहा आपको बताइए। कुछ नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं, क्या बोलूँ डॉक्टर साहब, मेरी टेंशन के बारे में किसको बोलूँ समझ में नहीं। बोलो आप, मैं हूँ ना। अरे क्या बोलूँ, ये शादी हुई जब से मैं बेजार हो गई, एक साथ सो बहुत तंग कर रही, ऊपर से वो ननन आकर घर में रह गई, बर्तना धो कपड़े धो दम दम हो गया। नको नको बर्तना धो लो कपड़े नको धो, फिर यहाँ आके दे दो मैं भेज देता हूँ धोके। सच्ची में डॉक्टर साहब? घर के किसे सुना रही औरत दीवानी, सास की बुराई ननन की बुराई नहीं करना, क्यों क्या करे तुम्हारे साथ? अरे क्या करे डॉक्टर साहब, अब देखो हमारी सास का ख्याल रखना माँ के बराबर होती बोलते आप लोग बोलते ना, तो मैं एक दिन क्या करी, सास को भूख लग रही तो रोटी डाल के अंडा तल के दी, फ्राई ऑमलेट बना के दी, बहुत अच्छा करे, खुश होके खाना ना। अब्बा क्या बातें करे डॉक्टर साहब, क्या बोलूं, अरे उजाड़ मंडी पड़ जाओ, मेरी किस्मत फूट गई, कैसे बोल रहे आज मेरे को बॉइल करवा अंडा खाना दिल कर रहा था, मैं ऑमलेट बना के ला दी, मैं कैसा खाऊं अंडा बोलूं। अरे तो उसमें क्या है जी, तो बॉइल करके एक दूसरा अंडा दे देना था ना, दे देना था ना डॉक्टर साहब। तो मैं भाई सीज करी, देखो हमारे सास को क्या करी मालूम, एक प्लेट में ऑमलेट एक प्लेट में बॉइल करा अंडा, अब तो खुश होना ना उन्होंने, बिल्कुल खुशी खुशी खाना नहीं खा डॉक्टर साहब। फिर बोले आई उजाड़ा, अब तो मेरे को पूरा मार देती, मैं क्या करूँ, कैसी भूल आई, मेरी किस्मत फूट गई, अल्लाह मैं कैसा बेटे को करूँ, बोल रहे क्या बोल रहे मालूम उन्होंने, क्या उजाड़ तेरे को मट्टी पड़ू, क्या करेगी अम्मा ये बॉइल करने के ऑमलेट को, तू ऐसा कर दी ऑमलेट को बॉइल करना था बॉइल करे वाला, अंडे को ऑमलेट बनाना था, तू दोनों को उल्टा कर दी। अरे बाबा क्या सास है जी, भुंडई दे रहे तुम्हारी सास, बहुत टेंशन है डॉक्टर साहब, सब छोड़ो तुमको बीमारी क्या है, जल्दी बोलो टाइमिंग है। हाँ डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द था, पहले ये बोलना था ना, मुंह खोलो चेक करता हूं, नहीं दिख रहा था, और खोलो, और खोलो जी। अब क्या करते डॉक्टर साहब, मुंह में बैठ के दांत ना देखते क्या? चलो ठीक है, काम ना धंधा आ जाते बोर करने है, ये घर के किस्से सुनना, सुनने को बैठो भाई, मरीज तो मरीजा आए तो कुछ फायदा होना, चार पैसे मिलना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, भी आए माशाल्लाह, नजर से बच्चे तुम ठहरो, हम काम ही नहीं जाना तुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कौन है? मैं गुलाबो, गुलाबो, अरे नाम सुना मगर मैं पहचाना नहीं। नहीं पहचानते तुम्हारे, अच्छे पहचानते मेरे, मतलब क्या करते आप? मैं रिश्ते लगाती हूँ, मुशाता है। हाँ तुम्हारा रिश्ता लगाने आई, हाँ मैं समझ लू इलाज कराने को आए, इससे पहले किसके किसके रिश्ते लगाए? आई क्या नहीं लगाए, वो रणबीर की चाची कौन कराए? रणबीर कौन वो? आई रणबीर को नहीं पहचानते तुम, फिल्म एक्टर। हाँ एक्टरों की चाची मैं कराती हूँ पूरा, दीपिका पंडुकोन। आई वो क्या है कि रे बात है, बोले था मेरे को नाम इतना बड़ा नाम है, तुम रिश्ता लगाए? आई भी मैं लगाया हूँ, 6,000 रुपए ले, कुछ भी नहीं मिल रहा बाबा। और किसका लगाए? आई वो खेलती नहीं थी बच्ची, वो यूं खेलती थी, टक टक मारती थी, कौन है? सानिया, सानिया मिर्जा। आई सानिया मिर्जा की बच्ची का माइक लगा रिश्ता, ये तो मैं यकीन नहीं कर सकता। कैसे नहीं करते? सानिया मिर्जा हैदराबाद की। हाँ। उसका शौहर शोएब मलिक पाकिस्तान का। हाँ। तुम कैसा रिश्ता लगाते जी? पाकिस्तान का मैच में फिक्सिंग होती। हाँ। शादी में मैं फिक्सिंग करती, क्या कर रहे आई झांकी कर हाथों में फलिया बजा रहे। अच्छा सब जान दो, मैं तुम्हारे हाथ से जबरदस्त बच्ची देखती हूँ। अरे क्या देखते जी, हमारे है ना सबर पहचान सबर। अरे अब ये उम्र में अब हमारी बीवी की सेहत भी खराब रह रही है, देख तो लेंगे। चलो ब्रिंडन कॉलोनी की चलती नदीम कॉलोनी की। नको भाई, कहीं को मच्छर बहुत रहते वहाँ। अरे ठहरो, क्यों तोली चलती तू बोलते थी, वो कश्ती में बैठ के जाना पड़ता ससुराल को। अब करना क्या है तुम्हारे, मैं रिश्ता लगाने आई हूँ। तो पढ़ी लिखी बच्ची हो ना, कर देती सब हो जाता, मगर ये 20-22 साल 25 साल की बच्ची है नहीं होना। देखो बेटा 40 साल के तो नहीं है, देखो ये उम्र में कहाँ से लगाओ दे भाव, बोलो ना जी। होना भाई, देखो हमारी उम्र 60 की है। हाँ तो सूट होना ना,
साठ की बोले तो ठहरो देखना पड़ता। ठहरो देखो, 40 साल की कोई बेवा है तो रिश्ता लगाओ। लगाती रे बाबा, 40 साल की नहीं मिलती रे बाबा। नहीं धुनी पूरे भाई डाटो में कुछ भी नहीं है, 20-20 के दो चलते है। जा रही हूँ ऑटो, ना को ठहरो ऑटो वाले कहीं ठहरा रही रे, जा रही हूँ भैया। हाजी कमाल है हैदराबादी एक्टर, अभी अभी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आने वाली जिसमें इन्होंने ये रोल किया है गुलाबों का। अल्लाह क्या हुआ जी, कौन है जी? डॉक्टर साहब अजीब अजीब कैसा आ रहे हैं आज? मेरे को पहचाने? नहीं पहचाना। मेरे को नहीं पहचाने आप? नहीं सच्ची नहीं पहचाना। अरे क्या है डॉक्टर साहब, 2 महीने पहले मेरे पेट का ऑपरेशन करे थे आप, याद आ रहा है? तो क्या हुआ था? क्या हुआ था कभी इतना जबरदस्त किस्सा कर दिए थे आप? क्या करा जी भाई? अरे ऑपरेशन तो सक्सेस था, दूसरे दिन मेरे पेट में कुछ चुभे सा दिख रहा था। हाँ। आपको दवाखाने में आके बोला डॉक्टर साहब पेट में कुछ चुभे सा दिख रहा, कुछ चुभे सा दिख रहा, तो आप क्या बोले? हाँ। नर्स की गलती से आपके पेट में कैंची भूल गया हूँ बोले। मैं बोला कैंची? हाँ, तो फिर आप क्या करे? अरे किसी को बोले? आप क्या बोले थे मालूम? मियाँ ये बात किसी को मत बोलो। हाँ। मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ। हाँ। मैं किसी को बोला? नहीं बोले। हाँ। तो फिर आप ऑपरेशन करे, खैची निकाले, फिर स्टेशन दे दिए। हाँ, अब क्या है? फिर 15 दिन के बाद में वॉमिटिंग हो रही थी, निपला निकल रहे थे, प्लास्टिक के टुकड़े निकल रहे थे। मैं आपको बोला डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा वॉमिटिंग में प्लास्टिक के टुकड़े निपला निकाले, तो आप क्या बोले? हाँ। कंपाउंडर की गलती से हैंड ग्लोव पेट में भूल गया हूँ बोले। होता भाई छोटे, आप 2 दिन पहले निम्स में हुआ ना खैची भूल गया बड़े बड़े डॉक्टर। हाँ ये ऐसा कैसे बोल रहे हो? हम तो छोटे मोटे डॉक्टर है। क्या है कि डॉक्टर साहब जब आप बोले मैं 20,000 रुपए दूंगा, किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना बोले, बोले आप? मैं बोला किसी को नहीं बोले, मगर आप तो मैं पूरी पब्लिक को पूरी दुनिया को बोलूंगा। अब क्या हुआ है रो? अरे दो ऑपरेशन आप ऐसे करे, अब तीसरा ऑपरेशन करे थे परसों। हाँ। अब देखो मेरे पेट में से कैसे कैसे की रिंगटोन की आवाज आ रही। हाँ। पेट ऐसा थर 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 कांप रहा, वाइब्रेशन पे आ गया ऐसा दिख रहा। अब्बा अब पता चला मेरे मोबाइल का, मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ पर इसमें रिपोर्ट कर रहा हूँ मोबाइल फोन तुम्हारे पेट में रह गया जी। नहीं डॉक्टर साहब क्या तकलीफ क्या हो रही? नहीं ऐसे भुलक कर डॉक्टर मेरा नाम। नहीं भाई क्या हो रहा, तकलीफ क्या हो रही? अरे ऐसा पेट थर 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 कर रहा और मैं कभी बात कर रहा तो ऐसा बात कभी आ रही कभी चली आ रही, कभी आ रही कभी चली आ रही, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। नहीं आप डॉक्टर करें, नहीं मोबाइल फोन की टेक्नीशियन करें क्या? नहीं इनकमिंग सही है, इनकमिंग तो जबरदस्त है डॉक्टर साहब। हाँ। और गोइंग में बहुत परेशानी हो रही डॉक्टर साहब। ऐसा और मिसका तो ऐसे आ रही जल्दी जल्दी देर को मिसका। टेंशन रखो लो। अरे तुम क्या है जी, रिंगटोन ऐसे भरा है? क्या ऐसे कैसे गाने भरा दिए तुम? और मेरा पोतरा कुछ भी भर देता भाई। अरे मैं परसों कोठी वुमेन्स कॉलेज के सामने से जा रहा था, अंदर से आवाज आ रही भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। अच्छा। पूरे रोड के अंदर मिल के इतना मारे मेरे को, इतना मारे अरे क्या क्या गाने भरा दिए। परसों में हमारे दोस्त के जनाजे में जा रहा था। अच्छा। जनाजे में जा रहा हूँ, अंदर से एक नई रिंगटोन की आवाज आई। क्या? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो हमेशा की। अरे क्या मारा खा रहा मैं तुम्हारे रिंगटोन के फोन के बोलते डॉक्टर साहब। देखो 50,000 रुपए देता हूँ मैं। हाँ। किसी को नक्को बोलो फिर ऑपरेशन करता हूँ, खाली टाके खोलते। हाँ। मोबाइल फोन निकाल के फिर टाके लगाते, कोई तकलीफ नहीं होती तुमको? नक्को डॉक्टर साहब, किसी को नक्को बोलो। नहीं अब तो नहीं बोलता मैं, 50,000 रुपए लिए बोल बोलता हूँ। मैं जब बोला 10,000 लेके, नहीं नहीं 20,000 नहीं दिया, 50 में कहीं को बोलूंगा। हाँ। एक काम करो डॉक्टर साहब। क्या? अब क्या आप मोबाइल फोन निकालो ऑपरेशन करके और स्टेशन मत दो, टाके मत दो, फिर क्या करो खुला छोड़ दो? नहीं नहीं खुला मत छोड़ो, और टेलरों का जिप दे दी देखो एक बड़ी। हाँ। ऐसी जिप यहाँ से यहाँ तक लगा दो, जब चाहे जब खोलो, जो चाहे जब रखो, निकालो खोलो निकालो। क्या है डॉक्टर साहब, डॉक्टरी का रहेगा देखो। थैंक यू मैं चाहूंगा कि